नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर छतरपुर जिले के मादगुआ से है। यहां पर मादगुआ थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी सोमकमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग एक साल पहले मादगुआ में भी एक ऐसा ही केस सामने आया था, जब एटीएम का कार्ड बदलकर एक शख्स के 96,000 रुपए निकाल दिए थे। लखन प्रताप सिंह को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और अब सोम कमल सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये पिछले साल अगस्त में 3 अगस्त 2018 को मादगुआ के रहने वाले हैं मलखान सिंह, वो एटीएम से पैसा निकालने गए थे मादगुआ में। वहाँ पर आरोपी लखन प्रताप सिंह और आरोपी सोम कमल सोनी, इनके द्वारा उनका एटीएम चेंज कर लिया गया और फ्रॉड करके उनके बैंक अकाउंट से 96,000 रुपये विड्रॉल कर दिए गए, जिसकी उन्होंने रिपोर्ट की थी, जिससे अपराध पंजीबद्ध किया था। एक आरोपी लखन प्रताप सिंह को पुलिस ने तत्कालिक गिरफ्तार कर लिया था, पेश किया था। दूसरा आरोपी सोन कमल सोनी, ये पन्ना का निवासी है, ये फरार हो गया। इसके पन्ना जिले में भी 3-4 अपराध हैं, फ्रॉड के अपराध हैं, जैसे इसी प्रकार के अपराध एटीएम, 4 अपराध इससे पंजीबद्ध हैं। इनका काम एटीएम बदलना और फ्रॉड करके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेना है। ये करीब 1.5 साल से फरार चल रहा है। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।